अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अदनान और तुसां देख मेरा यूट्यूब चैनल खुला आपकी उम्मीद करदा अल्लाह दे करम नाल अल्लाह दे फज़ल नाल मैं भी ठीक हूँ, तुसां भी ठीक हो। सो तो सब तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो लाइक करो सो करें वीडियो स्टार। दोस्तों अज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है और बड़ी दिलचस्प है। टाइम थींदा पे पूरी 8:30 दा शाह दी नमाज़ दा टाइम है तो असं वेंदे पे नमाज़ पढ़सूँ। तो अज बड़ी खुशखबरी है, मसला है सारी मस्जिद के अंदर जी सारे घर के नाल मस्जिद है उन्हें भी अज खत्म शरीफ अलहमदुल्ला, क्योंकि काफ़ी साल तो इस सिलसिला चलता पे तो अलहमदुल्ला त्रै हफ्ते से कुरान सारी मस्जिद के अंदर जोता में इंशाला इलाके वाले तो करें दिन तो इंशाला वीडियो स्किप नहीं करनी तो वीडियो पूरी वाच करे सो तो मैं जो भी खत्म दम माहौल उसी इंशाला तो मैं लिखे सा तो वीडियो पूरी वाच करे सो इंशाला तो वीडियो बड़ा मजा से और दुआ करे सो हर मुसलमान वास्ते अल्लाह पाक हर मुसलमान को खुशबाद रखे इंशाला। समझदार दसो क्योंकि जमात का टाइम देना पे अगर वे मैं माहौल लिखे सा और क्या सिलसिला क्या माहौल ठीक है इंशाला। समझदार दसो मेहरबानी। मैं आसमान से बादल भेजूंगा जो रहमत वाली बारिश नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह। वयुमदिदुकुम बिअमवाली वबनी, तुम्हारे माल औलाद के अंदर भी ज्यादती फरमाऊंगा, रहमतें और बरकतें अता फरमाऊंगा, तुम्हारा माल भी बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। वयजअल्लकुम जन्नातिन वयजअल्लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें और बहुत सारे इनामात अल्लाह जल्ला शानहु ने रखे हैं हमारे लिए। सुभान अल्लाह। एक सच्ची तोबा करने पर अल्लाह जल्ला शानहु आखरत के फैसले भी फरमा दिए, दुनिया के फैसले भी फरमा दिए। यह हमारा कितना रहीम अल्लाह है, कितना अजीम अल्लाह है। आज हम अल्लाह उस अल्लाह को बुला बैठे। मैंने कोई और कोई बात नहीं कही, सिर्फ कुरान सुनाया आप लोगों को, अल्लाह का पैगाम बताया है कि अल्लाह हमें खुद तरगीब दे रहे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मगफरत तलब करूंगा, तुम्हारी तुम्हें माफ करूंगा। सिर्फ माफी भी नहीं, साथ इनामात की बारिश भी शुरू। जो गुजर चुकी हमारी उसको बुरा समझा, उस पर नादिम हूँ और आइंदा उन गुनाहों में मुब्तला नहीं होंगे, इसका पुख्ता इरादा करें इंशाल्लाह। सिर्फ बयान की हद तक नहीं, अल्लाह से अमल की तौफीक भी मांगे इंशाल्लाह। अल्लाह जल्ला शानहु सफेद रीशों से हया फरमाते हैं। आमीन आमीन। सफेद रीशों से हया फरमाते हैं तो जब सफेद रिश अल्लाह के सामने मांगेगा क्या अल्लाह नहीं अता फरमाएंगे। अल्लाह को जवानी के सजदे ज़्यादा महबूब हैं। हमारे कितने नौजवान हैं जो 5 वक्त के नमाजी हैं। अलमिया तो ये है, हमारे माँ बाप हमारे दोस्त अहबाब अगर हम दुनियादारी में नाकाम हो रहे हैं तो हमें समझाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की और डांट डपट हर चीज़ करते हैं, लेकिन अगर दीन का नुकसान हो रहा है, एक बच्चा सुबह की नमाज नहीं पढ़ रहा तो माँ बाप कहते हैं रात को लेट आया, थोड़ा थोड़ी देर सोता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों दोस्तों, खुदा के लिए हम अपनी कदर मंजिलत को पहचाने, अल्लाह की रहमत जोश में है, अल्लाह के सामने गिड़ गिड़ाएं, अल्लाह से मांगें, अपने लिए मांगे, अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए। अल्लाह के खजाने खुले हैं,
ये रहमत वाला महीना न जाने फिर हमें नसीब भी हो या ना हो। आज मैं यहाँ खड़ा था, नमाज पढ़ा रहा था, तो मुझे नमाज पढ़ाते हुए ख्याल आया, नमाज में ही ख्याल आ गया कि एक वक्त था कि मेरे साथ हाजी हाशिम साहब खड़े होते थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, एक साल गुजर गया उनको। हमारे बहुत सारे इस मस्जिद की रौनक तो नहीं है, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। एक वक्त आएगा हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, 50-60 साल के बाद तो हम में से खैर कोई भी नहीं होगा। लेकिन हम अपनी दुनिया की जिंदगी को भी बनाएं, आखिरत की जिंदगी को भी बनाएं। उसका मैं अल्लाह की रहमत, आपको कुरान, कुरान तो हिदायत है, नूर है, तो हम कोशिश करें अल्लाह की इस रहमत से खूब फायदा उठाएं, मगफरत तलब करें, जहन्नम से छुटकारे का। ये हम हमारी आल, अगर हमने अपनी ज़िंदगी ठीक कर ली, अल्लाह को राज़ी कर लिया, यकीन माने अल्लाह हमारी औलाद के अंदर भी दीन को चलाएंगे इंशाल्लाह, हमारी औलाद के अंदर भी दीन चलेगा। जब और ये जो साथी एक दूसरे से नाराज हैं, जो साथी एक दूसरे से नाराज हैं, किसी वजह से भी नाराज हैं, खुदा के लिए आज दिलों को साफ करते हुए एक दूसरे से सुलह कर लें। माशाल्लाह, दुरूद का इशारा कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनाम दे, अमन गालू पती वेंदी है कि तैं ही कुरान दी लाज रखनी है वाली। कुरान की लाज रखनी है, अपने अहल आयाल को नहीं भूलना। अच्छा, मेरे तरफ सारे साथी को मुबारकबादी हो, गए पहले भी मैं दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं सारी बस्ती वालों को और सारे साथी और सारे रिश्तेदार भी हैं, सारे जमाती भी हैं, जिन जिन लोग ने खिदमत की है, यह नियत करो कि राह लीला की थी। साढ़े कारी साहब माशाल्लाह थाँव के मकामी हैं, ये सारे मेहमान हैं, एक महीने वास्ते आए हैं, और तालिब इल्म हैं, जिन्हें भी खिदमत की थी, ये नीयत ना हो कि ऐसा इन्हें को कुरान सुनी थी तो मुआवजा देने पे, ये बिल्कुल नीयत ना इन्हें दे को नीयत होवे, कारी साहब ने को इन्हें भी राह लीला पढ़े, जिन्हें लोगों ने जरा कोई खिदमत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है बहुत की थी ने, और अल्लाह कबूल करे सबको एंड भी इंशाल्लाह अगले रमजान शरीफ जिंदा रही हो से, अल्लाह ताला हिम्मत देवे और तौफीक देवे, सारी मस्जिद अल्लाह करे आबाद रहे, आमीन आमीन, सारे नौजवान है कोई हिम्मत देवे अल्लाह ताला, आमीन। ये मस्जिद जरूरियात या कुछ है तुम्हारे जिम्मे है, तुसा ही करना है, दुआ करो इंशाल्लाह खैर दुआ करो और खैर सारे साथी माशाल्लाह सच्चे दिल नाल अल्लाह कने तौबा मंगनी है, और जेले मैं पहले गुजारिश की थी कि जेले एक दूसरे नाल नाराज है ना, खुदा के लिए अल्लाह वास्ते हिकमे नाल जेले ना तुसां सुलह कर गिनसो, कि इंसान कुछ भी नहीं चाहते मिलना, कुछ भी नहीं चाहते मिलना, आमाल चाहते मिलना, और ये भी आमाल ही दाखिल है कि आप रिश्तेदारों के दरमियान दोस्त अहबाब के नाल ताल्लुक जुड़ा रहे, बंदे कता ताल्लुक ही हराम है, कता ताल्लुक ही हराम है, तो इन वास्ते अपने दिल को साफ करते, अपने दिल को साफ करते। कारी साहब साढ़े को नमाज पढ़ने रह गए, कहीं जमाती को कोई शिकवा शिकायत थोड़ी होती है, देख तो उम्मीद रखती है कि कारी साहब अपनी जितनी भी मंगल पढ़ी है जो निंदा सही है, अगर कोई गलती हो तो अल्लाह वास्ते मौका दसो, कारी साहब को मैं भी अदा, अगर साढ़े को सही मान खिदमत नहीं की सकी, अच्छा कुरान का हक अदा नहीं कर सके, अल्लाह पाक करे,
جنہیں جنہیں لوگوں نے خدمت کی تھی انہیں ریت مال جان بھی ان شاء اللہ اس دین کی خدمت کا توفیق دے سائیں مبارک تھی بھائی جان مبارک جان بھی مبارک تھی سائیں مبارک بھائی تھینک رکھو ایسے ریحان بھائی دے والد صاحب ہیں اور سماؤ جی مبارک آتی گیا اس پر بھی بس نہیں فرمائی فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبہ کرو، ایمان اللہ پر کامل لاؤ، یہ اعمال صالحہ کرو، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں نے تو گناہ بھی معاف کیے تھے، جنت بھی دی تھی، آج میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ سبحان اللہ ایسے جوش میں آ گئی، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ کیوں نہ کرے، وکان اللہ غفور الرحیم، غفور جو ہے، رحیم جو ہے، اپنے بندوں سے پیار جو کرتا ہے۔ آخرت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ، آخرت کی ہماری تیاری بن گئی، توبہ کرنے پر اللہ کی نعمتیں شروع، یہ تو آخرت میں ہمارے لیے سارے فیصلے ہو گئے۔ الحمدللہ ساری مسجد آج قرآن پاک دا ختم شریف تھے، الحمدللہ بڑا مزہ آ گیا، اس سامنے حافظ قرآن نترائے بندے، الحمدللہ انہوں نے ختم کیتے، الحمدللہ بڑا مزہ آ گیا، کیونکہ کافی عرصے تو یہ سلسلہ چلتا پے، خیرات بھی ہے، کافی اپنے گاؤں دے، اپنے علاقے دے رشتہ دار موجود ہیں اتنا، ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو پوری واچ کرے سو، اور سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو، ان کے ویڈیو دا اینڈ کافی ٹائم تھی گئے، اور بیان بھی سنائے تھے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اللہ حافظ۔